और मनुष्य, इन दोनों का संबंध कुछ वैसा है जैसा पंख और चिड़िया का, जैसा धारा और नदिया का। यदि भूल मनुष्य के स्वभाव का इतना महत्वपूर्ण अंग है तो आप सोचिए इस पर लज्जा क्यों? इस पर लज्जा करना ठीक है ही नहीं। वैसे देखा जाए तो भूल हमें स्वयं को और श्रेष्ठ बनाने का अवसर देती है, पहले से अच्छा प्रदर्शन करने की प्रेरणा देती है। अब कदाचित आप में से कुछ इस बात से सहमत नहीं हो, क्योंकि बहुतों की दृष्टि में भूल दोष को जन्म देती, दोष अपराध को, और अपराध के लिए क्षमा नहीं दंड मिलना चाहिए। किंतु क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? क्या कारण है इसका? इसका कारण है भूल स्वीकार करने से बचना। यदि आप कोई भूल करोगे और उसे स्वीकारोगे नहीं तो वो भूल दोष में बदल जाएगी और वो दोष अपराध। तो साहस रखिए, अपनी भूल को स्वीकार करना अपनी भूल को सुधारने की दिशा में सबसे पहला कदम होता है। और स्मरण रखिएगा, यदि कुछ अपराध है तो वो है समय पे अपनी भूल ना स्वीकार। राधे राधे। इतना सुंदर पुस्तक है, सुंदर आवरण है, सजाए हुए पृष्ठ है, किंतु क्या ये सत्य में अद्भुत पुस्तक कहलाने की पात्र है? क्या इसमें जो लिखा है वो सत्य है, प्रेरणादायी है, हमारे लिए मूल्यवान है? कैसे निश्चय लिया जाए इस बात का? अब आप सोचेंगे कि सीधी सी बात है, आवरण को देख के पुस्तक की गुणवत्ता कैसे जानी जा सकती? इसके लिए तो आपको उसे पढ़ना होगा, उसे समझना होगा, समय देना होगा, है ना? बिल्कुल उचित सोच रहे हैं आप। बस आश्चर्य की बात यह है कि पुस्तक के विषय में आप ये सारी बातें जानते हैं, किंतु किसी व्यक्ति के विषय में आप ये सारी बातें मन में नहीं लाते। व्यक्ति का मूल्यांकन भी उसके वस्त्रों से, उसके शारीरिक रूप से या उसकी सुंदरता से नहीं किया जा सकता। उसके लिए आपको उस व्यक्ति को पढ़ना होगा, उसे समझना होगा, उसे समय देना होगा। पर हम क्या करते हैं? पहनावे, रंग, सुंदरता को देखकर आकर्षित हो जाते हैं, उसे प्रेम समझ बैठते हैं, और आए दिन कोई ना कोई ये कहते सुनाई देता है कि उसकी प्रेम कहानी सफल नहीं हो पाई, उसे छल मिला। किंतु इसमें दोष किसी और का नहीं, स्वयं आपका है। आपने उस व्यक्ति को समय नहीं दिया, आपने उस व्यक्ति के विचार नहीं परखे। प्रेम दो क्षण में बनने वाला पकवान नहीं है, इसका स्वाद चखने के लिए आपको जीवन भर का समय देना पड़ेगा। तो समय दीजिए, एक दूसरे के रूप से नहीं आत्मा से जुड़ी। निश्चित ही मन प्रसन्नता से कह उठेगा, राधे राधे।